पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर आरयूबी मांग को प्रदेश सरकार द्वारा पूरा करने के बाद वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन संतराम शर्मा को भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व समाज सेविका पवन कुमारी शर्मा, महापंचायतों के अध्यक्ष हरदेव चांदला, बीडीसी चेयरमैन कमल, बीडीसी मेंबर ग्रीड़ा गुरदेव सिंह, समाज सेवी विक्रमजीत सिंह सहित शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बधाई देने का सिलसिला जारी है। मौके पर पहुंची पवन कुमारी शर्मा ने बुक्के देकर संतराम शर्मा को बधाई दी व संतराम शर्मा ने फूल मालाएं पहनाकर आए हुए लोगों का सम्मान बढ़ाया। शर्मा ने सभी लोगों को इस मौके पर बनने वाले नए आरयूबी मार्ग की तस्वीरें भी दिखाई। वेलफेयर एसोसिएशन सहित स्थानीय दुकानदारों में सरकार द्वारा छोटे आरयूबी बनाए जाने के फैसले को लेकर खुशी की लहर है। इस मौके पर बधाई देने आए लोगों को संबोधित करते हुए संतराम शर्मा ने कहा कि हम भाजपा सरकार के कट्टर सिपाही हैं और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आमजन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपनी मांगों को प्रमुखता से पूरा करवाने में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। शर्मा ने कहा कि सिद्ध पीठ माँ कालिका मंदिर की पार्किंग का मुद्दा भी अपने आप में अहम मुद्दा है, जिसकी समस्या पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा चुकी है और इस समस्या पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। गौरतलब है कि बालाजी तिरुपति मंदिर द्वारा 11 बीघा जमीन काली माता मंदिर को दान देने पर विचार विमर्श जारी है, जिस पर शर्मा ने इस समस्या का समाधान करवाने के लिए सरकार से सहयोग की मांग की है। इस मौके पर आरडी गौतम, संदीप शर्मा, गौरव वर्मा, नरेंद्र शर्मा, जसपाल लाडी, योगेंद्र शर्मा सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। संतराम जी की कठिन प्रयासों से और सभी व्यापारियों के धरना लगाने की वजह से जो काम मिली अभी हमारा सफल हुआ आरयूबी का, उसी हिसाब से बनेगा जिस हिसाब से हमारे व्यापारी चाहते थे, और इसके लिए मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इनके कठिन प्रयास से सब कुछ पॉसिबल हुआ है और आगे भी जैसे कि कभी भी कोई, जैसे हम अपने विकास के लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हम इकट्ठे होते हैं और धरना देते हैं तो हम सब पब्लिक आप सबके साथ। छोटे आरयूबी के लिए जिसमें पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था बनाई गई है, उसके लिए उसी डिमांड को लेकर पीछे 21 दिन धरना पर बैठे थे और हमारे कालका पिंजौर की कोई ऐसी संस्था नहीं रही जिसने इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ ना दिया हो इस डिमांड में। तो आज उसी सिलसिले में पवन कुमारी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हैं, हमें उस को पास कराने के लिए जो ये पास हुआ है, हमारी मांग मानी गई है, आए हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ये अपने पूरे हमारे इलाके के सरपंच इनके साथ आए हैं, हरदेव जी हैं और भी लोग साथ में आए हैं, तो मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे क्षेत्र में एक शुरुआत है कि कोई भी डिपार्टमेंट अब कोई भी स्कीम बनाएगा, कोई डेवलपमेंट करेगा, तो वो 10 बार सोचेगा कि अब यहाँ की जो जनता है कालका क्षेत्र की, वो जाग चुकी है। ये पहले जैसा अंधेरगर्दी अब नहीं होगी, पब्लिक के अनुसार, पब्लिक की सहूलियत के लिए और लोगों की सहूलियत के लिए, जनता की सहूलियत के लिए प्रोजेक्ट बनाने चाहिए और आगे को बनेंगे। अगर कहीं भी किसी भी जगह कोई डिमांड आई कालका पिंजौर के सरपंचों की तरफ से, कहीं नंबरदारों की सरपंच की ओर से या किसी गांव की तरफ से, तो हमने जैसे यहाँ सरकार से ये पास करवाया, वहाँ भी हम सरकार से प्रार्थना करके अधिकारियों को मनमानी नहीं करने देंगे। शर्मा जी, ये तो आपके एसोसिएशन का बड़ा लक्ष्य है, बड़ा भाव, इसके बाद क्या लग रहा है आपके एसोसिएशन का? हमारा 1-2 साल से बड़ा जो है पेंडिंग चल रहा है। मुझे आशा है कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कालका में मत्था टेकने आते हैं, माँ के चरणों में शीश नवाने आते हैं, और मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ और मुझे उम्मीद भी है, शायद मुख्यमंत्री जी कुछ अनाउंस करके जाएंगे। जो पार्किंग का मुद्दा चल रहा है, अभी अंदर भी हम बैठे थे, सभी जगह यही चर्चा हो रही थी कि कालका में जो है पार्किंग जो है माता जी के मंदिर में नहीं है, ना स्कूटर की पार्किंग है, ना कार की पार्किंग है। लोगों की ये कुल देवी है, पंजाब हरियाणा हिमाचल से बहुत भक्त माँ के चरणों में आते हैं, परिवार समेत आते हैं, अपना सामान लेके आते हैं, लेकिन उनके ना तो कोई ठहरने की व्यवस्था है, ना गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है। अगर कोई व्यवस्था सरकार टेम्परेरी बना रही है अनाज मंडी में, वो मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर है,
बंदा वहाँ कैसे तो अपने बच्चों को ठहराएगा, कैसे आगे मत्था टेकने जाएगा, चोरी होने का डर रहता है अगर सारे मत्था टेकने चले जाएं। तो बालाजी मंदिर की जो 11 बीघे जगह बिना किसी कीमत के मंदिर ट्रस्ट को फ्री में दी जा रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि उसको सिरे चढ़ाया जाए। माँ की पूरी कृपा हमारी भारतीय जनता पार्टी पे और हरियाणा सरकार पे तभी पूर्ण होगी जब माँ का काम पूर्ण होगा। माँ के काम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए हमारी सरकार को। हमारे बहन जी भैया, तो इन सभी जितने भी हमारे व्यापारी मंडल सभी ने बैठ कर यहाँ पे धरना दिया है आदमी के लिए। जैसे इन्होंने चाहा संतराम शर्मा जी ने भी ये छोटा बने और दुकानदारों को मज्जा नज़र रखते हुए देखा जाए कि इनका भी व्यापार ठप ना हो, तो इन्होंने सरकार से अपनी मांग मनवाई है। तो इनके लिए मैं संतराम शर्मा जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी व्यापारी मंडल जो साथ में बैठे हैं इन सभी का।